अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शानदार वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक की वैकेंसीज हैं, तकरीबन 912 वैकेंसीज हैं। मैंने अपने चैनल पर 10 जुलाई 2021 को एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने इसके अप्रूवल का एक नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर भी किया था। ये वो नोटिफिकेशन है और ये वीडियो आप देख सकते हैं, 10 जुलाई 2021 की है। ये नोटिफिकेशन 20 जून 2021 को अप्रूव हो गया था और अब बाकायदा इसके ऊपर जो है वो वैकेंसीज अनाउंसमेंट हो गई है। मैं बढ़ता हूँ अपनी वीडियो की जानिब, कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुई है और उसमें कैसे अप्लाई करना है, तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको दूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में मजीद जॉब्स की वीडियोस के हवाले से आप लोग अपडेटेड रहें। मैं हूं सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, एफबीआर का एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक की वैकेंसीज के लिए सिर्फ लोकल बेस लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कराची के ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप कराची के ही होने चाहिए। ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 15 तक की वैकेंसीज के लिए आप उस सूबे के होने चाहिए, यानी कि अगर कराची का ऑफिस है तो आपके पास सिर्फ सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक की वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर असिस्टेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइप्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, डिस्पैच राइडर, नोटिस सर्वर, चौकीदार, माली, फराश, सैनिटरी वर्कर, आर्म गार्ड और बेलिफ की सीट है। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिसेज की सीट है, टोटल 21 ऑफिस हैं जिनके अंदर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। हर ऑफिस के आगे उसकी पोस्ट लिखी हुई है। जैसे कि मैं एक की बात कर देता हूँ, इस्लामाबाद ऑफिस के अंदर असिस्टेंट की कोई वैकेंसी नहीं है, स्टेटिकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, स्टीनोटाइपिस्ट की 26 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5 वैकेंसीज है, इस तरह टोटल 102 सीट्स हैं। हर ऑफिस का यहाँ पे अलग अलग मेंशन है, लाहौर, कराची, पिशावर, हैदराबाद, एबटाबाद, तमाम ऑफिसेज की सीट्स मेंशन है। अभी आगे मैं वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीकेकार बता दूंगा, आप इसको तफसील से खुद भी पढ़ सकते हैं। इस तरह टोटल 21 ऑफिसेज हैं जिनके अंदर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है और ये सब मिलाकर तकरीबन 912 सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एज लिमिट क्या है। अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एज लिमिट के अंदर 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टेटिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि स्टेटिक्स, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी और इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट 30 साल है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट हैंड राइटिंग में 80 जबकि टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कंप्यूटर के वाले आपको नो हाउ होनी लाजमी है, इसकी अप्लाई करने की एज लिमिट भी 30 ईयर्स है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करने के लिए आपके पास सेकंड क्लास या सी ग्रेड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर या स्टेटिक्स के अंदर किसी भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 10,000 की ड्यूरेशन आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 ईयर्स इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का किसी भी ऐसे इदारे से जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज हो, 30 ईयर्स इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की सीट के अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए सिंपल, 30 ईयर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट है। एलडीसी में अप्लाई करने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और एजुकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट 30 ईयर्स है। नंबर 8 पर डिस्पैच राइडर है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास प्राइमरी पास होनी चाहिए, एजुकेशन और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बेहतरीन मालूम होनी लाजमी है, इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट 35 ईयर्स है। नोटिस सर्वर, चौकीदार, माली, फराश, सैनिटरी वर्कर, आर्म गार्ड, बेलिफ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पास होना लाजमी है और अप्लाई करने की एज लिमिट सब में 30 ईयर्स है। बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करने के टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। एफबीआर में अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पर जाकर इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा, मैं आगे में वीडियो में आपको फॉर्म डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा। एफबीआर की वेबसाइट ये है fbr.gov.pk, इस फॉर्म को आपने फिल करना है, इसके साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आपका एनआईसी, डोमिसाइल, एजुकेशन सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, किसी भी 17 ग्रेड के से अटैच करानी है, फॉर्म फिल करना है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपने वो भी साथ में अटैच करना है। इन तमाम को एक एनवेलप में रख के आपने जिस भी ऑफिस में अप्लाई करना है उस ऑफिस पर भेज देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप हैदराबाद ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना इनवेलप जिसके अंदर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन IR हैदराबाद हाउस नंबर 184 तारिक रोड सिविल लाइन्स हैदराबाद पर डिस्पैच कर देंगे। इसी तरह अगर आप किसी और शहर से, अगर आप फैसलाबाद से, तो आप इस ऑफिस पे डिस्पैच कर देंगे, यानी कि जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी एप्लीकेशन उसी ऑफिस पे डिस्पैच कर देंगे। अगर बाई मिस्टेक आपने अपनी एप्लीकेशन किसी और दफ्तर में भेज दी तो वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अनाउंस होने वाली तमाम पोस्ट के अंदर 10% कोटा वुमेन्स का है, 5% माइनॉरिटीज का है, 2% कोटा डिसेबल पर्सन का है। FBR को सीट्स कम करने और बढ़ाने का पूरा राइट हासिल है। अगर आप पहले से सरकारी मुलाजिम हैं तो अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर अप्लाई कीजिएगा। 5 साल के अंदर रिलैक्सेशन ऑलरेडी शामिल है, मगर इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट, सिंध रूरल या बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो आपको 3 ईयर तक की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो आपको 15 साल तक की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप किसी भी सरकारी इदारे में 2 साल नौकरी कर चुके हैं तो आपको 10 साल तक की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर आप मजदूर कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं 15 BPS 15 या से नीचे के लिए 10 साल तक की रिलैक्सेशन है आपको मजीद। अगर आप किसी भी ऐसे मुलाजिम की बेवा या बच्चे हैं जो कि दौरान सर्विस इंतकाल कर गए किसी भी सरकारी इदारे के अंदर तो आप
आपको 5 साल तक की रिलैक्सेशन है। आपकी एज जो है इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी जो कि 20 सितंबर 2021 है। आपको टेस्ट देने के लिए कोई TDA नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पे खुद आना होगा टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए। बात कर लेते हैं कि आपने इसका फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है। ये FBI की वेबसाइट है fbi.gov.pk। जैसे आप ये खोलेंगे तो सामने यहाँ पे अनाउंसमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा होगा वैकेंट पोस्ट इन फील्ड, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि आज संडे है इसका फॉर्म अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, इंशाल्लाह ताला कल ये अपलोड हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो FBI में आने वाली जॉब्स के हवाले से। बहुत अच्छा महकमा है, इसमें आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा। मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।